एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज है दिवाली और सुबह का टाइम है। मैं उठ गई थी 5:30 बजे और मम्मी, भैया और हस्बैंड गए हैं गांव में देवताओं पर और दिया जलाने के लिए। और सुबह सुबह हमने खाना भी बना लिया था, फूफा जी आए हैं तो। और आज बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है इसलिए मैंने मम्मी का शॉल ओढ़ा हुआ है। और तो अब घर का काम है, हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। देख लो, देख सकते हैं आप, पूरा बेड भी ऐसे फैला हुआ है। और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं हाथ धो तो सुबह ही ली थी और अब मैं करती हूँ काम। सुबह ही हमने खाना बना लिया था और सब कुछ हमारा काम हो चुका है खाने वाने का। और अब मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर वही है ना। और तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं साफ़ सफाई। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। सो बताना आप सबकी मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। अभी मैं रेडी ऐसे हुई हूँ और अभी मेरा हेयर स्टाइल बाकी है। हेयर स्टाइल करने के बाद मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी। और सो ये देख सकते हो आप मेरी साड़ी। एंड बताना ज़रूर कि आपको ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। आज मेरी फर्स्ट दिवाली है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेडी हो जाते हैं। और वैसे तो आप बताना कि कैसी लग रही है साड़ी। सो चलिए चलते हैं। मिरर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसको भी मुझे भी क्लीन करना है। सो गाइस, देख सकते हो आप मेरी साड़ी। सब बैठे हुए हैं, 3 बज चुके हैं और यहाँ बैठे हैं हम। और माँ जी बना रही हैं। माँ जी इधर देखो, माँ जी हाँ सुन जा मजा। इधर तो देखो, तेरा तो यही काम है, अब इधर को देख और उधर को देख, मैं ना देखती। तो कैसे करेंगे गाइस? 2:04 बज चुके हैं और हम कर रहे हैं 4 बजे वाली चाय। और यहाँ माँ जी बैठी हुई पत्ती बना रही है, वहाँ वो मैच देख रहे हैं। यहाँ मम्मी बैठी हुई है, अंदर भैया। सबसे पहले हमने मेन गेट पर बनाया है सतिया और वहाँ बनाई है मैंने रंगोली। बैठी है माँ जी और शाम बहुत लेट हो चुका है, अब हम करेंगे पूजा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं हलवा पूरी जो पूजेंगे। सो गाइस, रंगोली मैंने बना ली है और मेन गेट पर मैंने पहले सत्या बनाया, उसके बाद मैंने ये रंगोली बनाई है। और रंगोली कैसी बनी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। रंगोली अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड उसके बाद फिर मैंने बनाए हैं हलवा पूरी जो पूजा करते टाइम हम पूजेंगे। और यहाँ पे ये हस्बैंड और मैं हैं और फिर हम सब ने बैठ के पूजा की है। जो भी हमसे हुआ, जितना हमसे बन पाया, जितना आता है वो सब कर लिया। इतना नहीं पता है पूजा के बारे में, सब बच्चे ही हैं। और माँ जी, मम्मी, मैं, हस्बैंड और भैया, हम सब बैठे हुए यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। आप सबने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की? हमने इस तरीके से की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया इस बार हमने, क्योंकि अभी मेरे जेठ जी को 1 साल नहीं हुआ है तो सब हमने नॉर्मल ही किया है पूजा पाठ। ऐसे हमने कोई भी इतना बड़ा नहीं किया है, सब नॉर्मल ही है। और 1 साल अभी भैया को नहीं हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता ये सब। तो हमने घर भी डेकोरेट नहीं किया है, सिर्फ पूजा की है। सो गाइज़, चलिए इन्जॉय करिए व्लॉग और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा व्लॉग। सो इन्जॉय करो। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything.
everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. And ye next day Govardhan Puja hai. और गोवर्धन पूजा किसी ने 13 को सेलिब्रेट की है और किसी ने 14 को. हमने 14 को सेलिब्रेट की है गोवर्धन पूजा. और यहाँ पर मैं ऐसे रेडी हूँ, आज मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती. तो गाइस बताना कि ये कुर्ती कैसी लग रही है. और मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है. एंड यहाँ पे हस्बैंड और भैया दोनों ही हैं जो पूजा करेंगे. साथ में दोनों ने बैठ के पूजा की है. यहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं. और ये सब फ़ोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेंगी. जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो जाके मुझे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो यहाँ पे भैया और हस्बैंड बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं. इतना देखो नहीं पता है कि पूजा के बारे में कैसे होती है, बट यस जो भी पता है वो सब कर लेते हैं. जितना भी पता है वो सब दोनों भाई मिलके कर लेते हैं. और दोनों ही हैं तो बस दोनों ही करेंगे. और हम सब बैठे हैं यहाँ पे, मम्मी, मैं, माँ जी और हम सब. तो दोनों भाई हैं, मिलके बैठे पूजा कर रहे हैं. और अच्छा लगता है जब दोनों भाई साथ में ऐसे बैठे रहते हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं दोनों बैठ के. क्योंकि कुछ भी ऐसी गलती हो जाती है, भैया को पूजा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, भैया पूजा ज़्यादा करते नहीं हैं, तो वो बैठ जाते हैं कहने पर. और यहाँ पे माँ जी बता रही हैं कि कैसे कैसे करना है ये सब कुछ. और फिर शाम के टाइम दीदी आई हैं. दीदी ने सरप्राइज़ दिया है हम सबको. वो आने वाली थी लेकिन उन्होंने हमें लास्ट टाइम में मना कर दिया कि उनको छुट्टी नहीं मिली है थाने से. तो यहाँ पे मम्मी को सरप्राइज़ दिया और मम्मी शॉक हो गई दीदी को देख के. बहुत ज़्यादा खुशी हुई दीदी को देख के, क्योंकि मम्मी के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज़ था ये सब. मम्मी को बिल्कुल नहीं पता था. मैंने और मम्मी ने, दीदी ने, हमने प्लान किया था कि हम हस्बैंड और भैया को सरप्राइज़ देंगे मिलके कि दीदी नहीं आ रही हैं बट वो आ जाएंगे. लेकिन दीदी ने तो हम सबको ही सरप्राइज़ दे दिया यहाँ पर. हमें ही नहीं बताया उन्होंने, हम सबको बोल दिया कि छुट्टी नहीं है और हम सब सरप्राइज़ दे दिया. और शाम के टाइम फिर मेरे भाई और बहन आए हैं भाई दूज के लिए. ये मेरी छोटी बहन है और यहाँ पे हम सब बैठे हैं. ये मेरा भाई है, बहन है. रात के टाइम हम सब बैठे हैं और खाना वाना खाने के बाद. और ये सुबह का टाइम है तो सुबह हम बैठे हैं. फिर नेक्स्ट डे भाई दूज है और भाई दूज को और मेरे भाई को सुबह जल्दी जाना था तो वो सब जल्दी निकल गए. एंड मेरे भैया हैं वो भी आएंगे तो यहाँ पे मैं भाई को टीका कर रही हूँ, फिर वो चले जाएंगे. और ये आए थे. और सो गाइज बताना भाई दूज पर मेरी साड़ी कैसी लग रही है. और इसकी वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने पर ज़रूर मिलेगी. तो वहाँ जाना और मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना जिसने फॉलो नहीं किया है. लिंक आपको मेरा चैनल दिखाई दे रहा होगा यहीं पर. सो देख लेना स्वाति पंडित, ऑफिशियल स्वाति पंडित, इसको जाके फॉलो करो. और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेगी. सो एंजॉय करो व्लॉग गाइस. फिर छोटी बहन ने टीका किया एंड उसके बाद फिर दीदी ने अपने दोनों भाई को टीका किया है. और यहाँ पर फिर मैं भी बैठ गई हूँ. तो दीदी आ गई थी कि दीदी का तो पक्का था ही नहीं कि वो आ भी पाएंगी, क्योंकि दीदी की छुट्टी का ऐसा ही होता है. छुट्टी मिलना दीदी को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फेस्टिवल्स पे तो दीदी की ड्यूटी लग होती है तो वो छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती है. पुलिस का आप सबको पता ही होगा कि कितना मुश्किल होता है छुट्टी मिलना.
लेकिन दीदी फिर भी आ गई, पता नहीं कैसे कैसे छुट्टी मिली दी को और वो आ गई। और यहाँ पे फिर दीदी ने मुझे और इनको टीका किया दोनों को। और रक्षाबंधन पर भी मैं नहीं थी, मैं अपने घर थी और उस टाइम पे मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो मैं दीदी के यहाँ पे नहीं जा पाई थी। और मम्मी भैया ये सब लोग दीदी के यहाँ पे गए थे जहाँ दीदी की ड्यूटी है वहाँ पे। तो ये फर्स्ट है भाई दूज, तो यहाँ पे दी मुझे टीका लगा रही है और बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे हम सब थोड़े से मैचिंग हो गए। बताना आप सब कि हम सब कैसे लग रहे हैं भाई दूज पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे माँ जी हैं जिनके घर से उनके भतीजे आए हैं, और फिर माँ जी ने टीका किया। और ऐसे ही आज भाई दूज वाले दिन कोई ना कोई गेस्ट आ ही रहा था, कोई ना कोई आ ही रहा था और सब आ ही जा रहे थे और सब आते भी हैं। बहुत सारे गेस्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप है ये छोटी छोटी सी, तो वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और माँ जी पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है उनमें, और अब तो बहुत ज़्यादा ठीक है फिर भी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती जा रही है उनमें और हाथ पैर कांपते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। तो गाइज एंजॉय करो व्लॉग। एंड यहाँ पे मैं और हस्बैंड हैं क्योंकि मेरे भाई बहन वो जा रहे हैं, तो हम उनको बाहर तक बाय बोलने आए हैं क्योंकि अब वो दोनों जाएंगे दी के यहाँ पर, उनके यहाँ पर टीका कराएंगे, वो यहीं पर ही रहती हैं। और तो हम उन्हें बाय बोल रहे हैं, तो ये जा रहे हैं मेरे भाई बहन और यहाँ पर खड़े हैं ये सब लोग। सो गाइस बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकूँ अपने आप से रिलेटेड। सुबह से मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला और अभी मैं किचन में हूँ। मेरे भाई और बहन दोनों चले गए हैं मुझसे टीका करा के, और भैया हैं मेरे वो आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो दीदी के यहाँ पर हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि माँ जी के भतीजे आए हैं और उन्होंने टीका किया है, तो मैं बना रही हूँ चाय। और बताना आप सबकी मैं कैसी लग रही हूँ, और आज पहनी मैंने ये वाली साड़ी, सो देख के ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ। एंड या गाइस आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए चलते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, और आज क्या क्या हो सब आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। हाय गोलू, हाय कर दो। हाय बोलो, कैसे हो? कैसे हो? बोलो कैसे हो आप सब? सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम अच्छे होंगे। साथ उसके बाद मम्मी के अब भतीजे और भाभी आई हैं, मम्मी उनको टीका कर रही हैं। ये मौसी जी हैं मेरी और मम्मी की भाभी हैं, तो यहाँ पे ये आए हैं तो इनको टीका कर रही हैं क्योंकि मामा जी नहीं हैं, तो मौसी जी आ जाती हैं टीके के लिए और यहाँ पे बैठे हैं हम सब। तो गाइस बताना ज़रूर कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। सो उसके बाद भैया आए हैं जो टीका कराने, एंड दी से टीका करा के फिर उन्होंने मुझसे टीका कराया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा व्लॉग मैंने दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज ये सब एक साथ शेयर कर दिया। आगे का जो व्लॉग होगा वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।